हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट फोर चैप्टर फोर का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स सुपर फाइव सीरीज ओके तो हमारा इसमें पार्ट फोर आज हम देख रहे हैं देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ ग्रुप ओके अब हमारे पास क्या है चार ऑप्शन दिए हैं दैट इज ब्यूटेनोन ब्यूटेनॉल

हम अपना सफिक्स यूज़ करते ओ एल ओके अब हमारे पास सारे ना चार कार्बन की क्या है चेन प्रेजेंट है क्योंकि सारे ऑप्शन में ब्यूटी लिखा है ब्यूटेनल ब्यूटेनोन एक्सेट्रा अब हमें ढूंढना है यहाँ पे ओ एच विथ फोर कार्बन एटम्स तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल ढूंढ लेते हैं अपना ऑप्शन ब्यूटेनोन नहीं होगा ब्यूटेनॉल ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओके okay. तो आपसे डायरेक्टली पे OH का पूछा था यू ऑल ऑलरेडी नो दैट इट इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जिसके लिए हम ओ एल यहाँ पे यूज कर लेते हैं ओके टॉकिंग अबाउट दी नेक्स्ट क्वेश्चन बोथ इथिन एंड इथेन हैव डेंसिटी जनरल फॉर्मूला केमिकल प्रॉपर्टीज और दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है इथेन और हमारा इथेन की यहाँ पे बात हो रही है ओके इथेन क्या होता है आपको मालूम है दिस इज एल्कीन फंक्शनल ग्रुप एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात हो रही है Ethene की बात हो रही है मतलब है मतलब एल्केन फंक्शनल ग्रुप और अगर एल्केन्स है है तो ये क्या सैचुरेटेड कंपाउंड है और सिंगल बॉन्डेड क्या होंगे इनके सारे स्ट्रक्चर होंगे इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई अब देखो जब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है यहाँ पे एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे एल्केन फंक्शनल ग्रुप है तो इनकी सीरीज और इनकी होमोलोगस सीरीज होगी पूरी वो भी क्या होगी डिफरेंट होगी इसका मतलब इन दोनों की आपस में जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी केमिकल डेंसिटी हो या फिर जनरल फॉर्मूला हो ये सब क्या होगा डिफरेंट होगा बट यहाँ पे सेम क्या है यहाँ पे देखो एच सेम है यहाँ पे भी एच सेम है और एच क्या सिग्निफाई कर रहा है मतलब दो कार्बन का ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे भी दो कार्बन का ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पे जो एक चीज़ कॉमन लगी है हमें वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्योंकि दिस इज इथीन एंड दिस इज इथेन सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्योंकि इनका क्या है फंक्शनल ग्रुप अगर क्या होता है डिफरेंट होता है तो हमारी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती है डिफरेंट कैसी भी प्रॉपर्टीज होंगी बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी या फिर उसका क्या जनरल फॉर्मूला सब लोग क्या हो जाएंगे डिफरेंट सारी चीज विल बी डिफरेंट सो ओनली द सेम थिंग सिमिलर इज दी ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे कंसीडर दी केमिकल फॉर्मूले CH3COOH and HCOOCH3 अब हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले गिवन है एक क्या क्या है आपका CH3COOH दूसरा गिवन है यहाँ पे एच सी ओ ओ सी एच थ्री अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है बताओ इन करेक्ट स्टेटमेंट ध्यान रखना आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है ढूंढते अपना यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला ऑप्शन है हमारा बोथ हैव द इक्वल बॉइलिंग पॉइंट ठीक है बोथ हैव द इक्वल मॉलिक्यूलर वेट बोथ हैव द इक्वल नंबर ऑफ कोवल बॉन्ड्स या फिर बोथ हैव द सेम कंपाउंड चलिए देखते हैं अपने कंपाउंड में यहाँ पे क्या चीजें सिमिलर लग रही हैं अगर हम इस कंपाउंड में देखते हैं हमें दिख रहा है यहाँ पे दो कार्बन आइटम है और यहाँ पे थ्री फोर चार हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है ठीक है इतनी बार क्लियर हो गई हमने सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लिखा फॉर्मूले से हमने जितने कार्बन थे जितने हाइड्रोजन थे उनको हमने मेंशन कर लिया है ठीक है और ये इन्फॉर्मेशन जो भी हमें गिवन है आप ऑप्शन पढ़ने से पहले ही करो वरना आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे ओके okay? अब यहाँ पे ढूंढते हैं है ना यहाँ पे भी देख लेते हैं कितने कार्बन प्रेजेंट है कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है तो हमने देखा कि कार्बन भी दो है हाइड्रोजन भी दो हैं और ऑक्सीजन एटम भी हमारे दो प्रेजेंट है यहाँ से हमें ना एक बात पता चल गई कि क्या हो जाएगा कि इन दोनों का ना जो होगा इक्वल मोलिकुलर वेट ये तो बिल्कुल क्या है ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि क्या है दोनों का सेम है मोलिकुलर मास सेम है तो इनका मोलिकुलर वेट भी क्या हो जाएगा सेम देन बोथ है इक्वल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स दोनों के अंदर सेम है कंपाउंड्स सेम एटम्स से, है दो कार्बन यहाँ दो कार्बन यहाँ तो यहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ कोवल बॉन्ड्स भी देखी जाएंगी एंड बोथ आर नॉट दी सेम कंपाउंड हमें पता है ये क्या है हमारा सी ओ ओ एच फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे हमारा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं दिस इज सी ओ सी एच थ्री ये देखो दिस इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप ओके तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एसिड और हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप है इसका मतलब दीज आर नॉट दी सेम कंपाउंड। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बात करेंगे अपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तो यहाँ पे है बोथ हैव द इक्वल बॉइलिंग पॉइंट अब देखो जब हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है डिफरेंट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या था डिफरेंट था तो हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है प्रॉपर्टी हो क्या हो सकती है डेंसिटी हो सकती है या फिर आपका सॉल्युबिलिटी हो सकती है या फिर इन्होंने क्या पूछा हमसे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है डिफरेंट है तो ठीक है तो यहाँ पे इसका मतलब दोनों सेम कंपाउंड नहीं है ये भी बिल्कुल ठीक बात है अगर दोनों अलग अलग कंपाउंड है तो दोनों का क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट भी डिफर करेगा इसलिए हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें लिखा गया है कि दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट है दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है जो कि बिल्कुल गलत बात है दिस इज दी इनकरेक्ट ऑप्शन इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए जिसमें हमें क्या बताना था इन

जिसका नाम कुछ भी नहीं है हमें यहाँ पे बताना है कि बताओ एक्स बताओ y बताओ जेड ओके और एक्स वाई जेड कहाँ कहाँ बन रहे हैं उसका फ्लो चार्ट हमें मेंशन है ठीक है इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे एक्स में से आपने क्या करा है आपने एक्स के अंदर डाला H2SO4 टू फोर देखो यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर जब आप क्या डाल रहे हो कंसेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर तब आपका एक्स बन रहा है आपसे पूछा है बताओ भाई एक्स क्या कंपाउंड होगा तो आपको यहाँ क्या मालूम रखना है कि जो हमारा एच टू एस ओ फोर है ना जो हमारा किंग ऑफ केमिकल्स है ये क्या है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ओके अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो ये इस कंपाउंड का क्या करा देगा डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन होना मतलब क्या होगा डिहाइड्रेशन होना मतलब आपको वाटर यहाँ पे लूज करा देना है ठीक है यही होती है हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन एक बार इन रिएक्शन को दिख लेते हैं चलिए देख लेते हैं अपनी पूरी रिएक्शन एक बार अच्छे से यहाँ पे वी हैव सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इस कंपाउंड के अंदर हमने डाला है कंसेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर ओके okay, जिसके बारे में मैंने अभी क्या इंफॉर्मेशन दी कि बेटा ये क्या होता है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है हमारा तो ये क्या करेगा ये पानी लूज कराएगा डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कराएगा और हमें मालूम है कि डिहाइड्रेशन क्या होता है डिहाइड्रेशन इज लॉस ऑफ वाटर अब इसी फोटो बना लेते हैं एक बार सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ये हमारा कंपाउंड की हमने जब अब इसकी फोटो बनाई उसके बाद हमने देखा है इसमें से हमें पानी निकालना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे ओएच OH कायब करेंगे क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन है इसके साथ ओएच OH अटैच है इसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा बीटा कार्बन है ना यहाँ से हम क्या उड़ाएंगे हाइड्रोजन उड़ाएंगे और क्या करेंगे माइनस वाटर क्योंकि हमने यहाँ से ओ OH और हाइड्रोजन रिमूव किया है दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगी और क्या होगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्योंकि हमने यहाँ से रिमूव किए हैं दो एटम्स एच और ओ OH, दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगी हमारी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन एच एच देखो यहाँ पे एच और H दो एच ऑलरेडी प्रेजेंट थे दो एच हमने बना दिए इस कार्बन के पास दो एच प्रेजेंट थे दो एच हमने बना दिए यहाँ से हमने ये वाला आइटम उड़ाया यहाँ से हमने ये वाला हाइड्रोजन उड़ाया दोनों की जगह हमने एक डबल बॉन्ड बना दी मतलब जो हमारा कंपाउंड बना है वो है इथीन जिसका नाम क्या है जिसका नाम है एक्स तो यहाँ से हमें कंफर्म हुआ कि जो भाई हमारा ऑप्शन है ना कौन सा ऑप्शन है हमारा एक्स ऑप्शन है ये पक्का क्या होगा इथीन होने वाला है सो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो होगा इथीन ये रहा ठीक है दूसरा अब देखो ये ऑप्शन हमारा दो में गिवन है मतलब आपका ऑप्शन बी हो सकता है आंसर या फिर डी हो सकता है है ना फर्स्ट एक्स निकालते ही हमें दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे एलिमिनेट क्योंकि हमें पता है एक्स तो पक्का क्या है इथिन है तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत और ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दो ऑप्शन हमने डिलीट कर दिए चलिए अब आगे देखते हैं इतनी कंफ्यूजन से हम बच गए हैं दो ऑप्शन बचे हैं ठीक है 50 50 है, हमारा मामला हो गया है यहाँ पे चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं CH3CH2OH के अंदर हम क्या डाल रहे हैं KMnO4 और Y बन रहा है हमारा ठीक है इस इक्वेशन को भी देख लेते हैं एक बार अगेन हमारे पास क्या है CH3CH2OH इसके अंदर हमने डाला जो कंपाउंड बना हमारा उसका नाम है Y और हमने डाला क्या अल्कलाइन KMnO4 हमने डाला यहाँ पे है ना अब क्या होगा क्या फंक्शन होता है हमारा एल्कलाइन केएन का क्या कंपाउंड है हमारा एल्कलाइन केम देखो एल्कलाइन के का नाम क्या होता है पोटेशियम पर मैंगनेट ठीक है और ये क्या है हमारा पोटेशियम पर मैंगनेट हमारा बहुत अच्छा बहुत ज्यादा स्ट्रोंग बेहद स्ट्रोंग क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके okay. अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्कोहल को उठा के सीधा कहाँ ले जाएगा सीधा ले जाएगा एसिड के अंदर ठीक है तो यहाँ पे आपका देखो हमेशा अगर आप एल्कोहल का क्या करोगे ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा अगर आपका रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर्मल सा होगा कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बट अगर आपने यूज कर लिया कोई तगड़ा सा जैसे पोटेशियम पर जैसा कोई स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपका एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा आपका क्या बनेगा एसिड बनेगा देखो यहाँ पे कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है हमारे एक दो तो आपको दो कार्बन वाला एसिड ग्रुप यहाँ पे बना देना है मतलब जो हमारा वाई है वो क्या हो जाएगा एसिड एसिटिक आसे एसिड ढूंढते ऐसा ऑप्शन है क्या देखो ऑप्शन एच सी एच ओ है तो अब डी ऑप्शन भी हमारा कट गया मतलब आंसर क्या है हमारा बी ऑप्शन डायरेक्टली हमें आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच देखो अब नेक्स्ट रिएक्शन में आप एल्कोहल के साथ क्या डालोगे वाई वाई क्या है हमारा एसिड तो आपकी क्या रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे बी ऑप्शन आ गया ना हमारा तो यहाँ पे एस्टर बन जाएगा क्योंकि रिएक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी एसटेरिफिकेशन और उसका प्रोडक्ट क्या होगा सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा जरूर प्रैक्टिस करिएगा ऐसे क्वेश्चन चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है अपने सुपर फाइव सीरीज का देख लेते हैं एक बार अपना क्वेश्चन द करेक्ट इक्वेशन इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ हार्डनेस हम बात कर रहे हैं अपनी रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर अगर हमें रिमूवल करना है हार्डनेस का तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे सी ए सी एल टू एन ए सी एल के सी एल ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपको बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि हार्डनेस का जब भी हम बात करेंगे तो हार्डनेस जो होती है हमारी वो सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट्स या इन दोनों के ही सॉल्ट की वजह से प्रेजेंट होती है तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो कैल्शियम है यहाँ पे ऑप्शन बन सकता है करेक्ट और भी चेक कर लेते हैं NaCl सी एल प्लस के टू सी ओ थ्री देखो एन सी एल है इसकी वजह से हार्डनेस कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी ऑप्शन सी के सी एल इसकी वजह से भी कभी हार्डनेस प्रेजेंट नहीं होगी एन KCL सी एल के सी एल के सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड्स कभी भी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कौन होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अब देखो इस रिएक्शन में क्या है यहाँ पे ये हमारी क्या है हार्डनेस क्रिएट करेगा अगर ये हार्डनेस क्रिएट करेगा तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एन ए टू एन टू सी ओ थ्री के साथ जो क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट जो इसको हम बोलते हैं अपना वॉशिंग सोडा ठीक है तो वॉशिंग सोडा का एक यूज ये भी होता है कि हम उसको यूज करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस अब क्या होगा यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और एन बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है रिमूव करा देगा हमारा इसके इस कंपाउंड के, इस के बनते ही ये क्या बनेगा इन सोल्यूबल पी और हमारी जो क्लोराइड की क्या होगी रिमूव कर देगा हमारी हार्डनेस दिस विल रिमूव दी हार्डनेस बाय फॉर्मिंग दिस कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट तो ऐसी रिएक्शंस में हम क्या करते हैं जनरली जो भी हमारा हार्डनेस क्रिएट करता है कंपाउंड जैसे क्या था हमारा कैल्शियम क्लोराइड इसकी रिएक्शन हम करा देंगे एन के साथ तो क्या होगा डबल डी रिएक्शन डबल डिकंपोजिशन रिएक्शन होगी का कैल्शियम किसके साथ जाएगा कार्बोनेट के साथ और एन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो यहाँ पे हार्डनेस थी वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी क्योंकि अब क्या प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट ओके सो अगेन दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर दी रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके इसको जरूर नोट कर लेंगे ओके okay? चलिए सो दिस वॉज दी पार्ट फोर ऑफ आर सुपर फाइव सीरीज मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में टेटन स्टेट यून जो भी आपको डाउट्स है डू मैंशन इन दी कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच